हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिकली गुड। स्टूडेंट्स, आप सभी के ग्रुप वन एज वेल एज ग्रुप टू जुलाई 2021 के एग्जामिनेशन फॉर बोथ द लेवल्स इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल कंप्लीट हो चुके हैं। सो आज मैं ये जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर के आई हूँ, ये है विथ रिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट मंथ एज वेल एज द करंट मंथ लास्ट वीक प्लान। बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें फॉर नवंबर स्टूडेंट्स हम लोग फ्री रिसोर्सेज के नाम पे लेकर के आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कहते हैं कि मैम एमसीक्यू प्रैक्टिस अभी से शुरुआत करवा दो सो दैट नवंबर अटैम्प्ट आते समय या फिर नवंबर अटैम्प्ट आते ही हम एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाएं। सो टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आपके लिए महासंग्राम रिटर्न्स ये वाले सेशंस लॉन्च किए हैं। एंड हाँ जी स्टूडेंट्स, इस सारे ही सेशंस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सेकेंड बच्चों, ये है नेक्स्ट मंथ का सुपर डुपर सेशन। ये आ रहा है रिविजन सेशन के नाम पे, अगेन ब्रह्मास्त्र बैच इज बैक। अभी जो ब्रह्मास्त्र हम लोगों ने जनवरी अटेम्प्ट के लिए निकाला था, नवंबर 21 स्टूडेंट्स के लिए भी अगस्त महीने से मैं ऑडिट के लिए स्टार्ट कर रही हूँ। अगेन दिस विल बी टेकिंग प्लेस, हमारा तो सेम फंडा है बॉस, जब घड़ी में बजते हैं 8 तब हम पढ़ते हैं ऑडिट का पार्ट। तो जैसे ही महासंग्राम इस पूरे ही जुलाई मंथ चल रहा था, वैसे ही ब्रह्मास्त्र अगस्त पूरे ही मंथ चलने वाला है। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, ये जो जुलाई अटेम्प्ट के फाइनल एज वेल एज इंटरमीडिएट के ऑडिट के पेपर थे, ये भी मैंने डिकोड करके आपको सोल्यूशन आपके साथ सजेस्टेड शेयर किया है। इसकी लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है? सो दीज आर द फ्री रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। प्लीज जा करके सेशन को एनरोल और नोटिफाई करा लीजिएगा स्टूडेंट्स, सच दैट व्हेनेवर आई एम टेकिंग अ लाइव सेशन यू आर वेल नोटिफाइड। एंड दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट जो बच्चे प्लान्ड बैच पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने ऑडिट बहुत पहले रीड कर लिया था, अभी रिविजन करना है, फास्ट ट्रैक मोड पे पढ़ना है, तो आई एम ऑल्सो लॉन्चिंग वन परफेक्ट प्लान्ड फास्ट ट्रैक बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 28th of July, ठीक है? सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है कोड स्टूडेंट्स, ये आप यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट। एंड ये जो बैच है सिर्फ ऑडिट सब्जेक्ट का नहीं, सारे सब्जेक्ट्स ग्रुप वन एज वेल एज ग्रुप टू सारे सब्जेक्ट्स का हो रहा है। एंड यू कैन टेक अप अ सब्सक्रिप्शन फॉर 3 months एंड देयर यू गो, दैट्स इट। इसके अलावा फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। सो दिस इज अबाउट अ प्लान्ड प्लस बैच। इसके अलावा दिस वॉज द मेजर अनाउंसमेंट कि अगस्त मंथ में फ्री रिसोर्सेज में मतलब 8 बजे के सेशन में हम क्या करने वाले हैं। सो आई होप दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल। अब आप ये सेशन शुरू कीजिए, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट। ये जो वाला चैप्टर है, बेसिकली नॉट अ चैप्टर, सब पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में वी हैव 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स टू नो, जिसमें से मैंने ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट कंपनीज एक्ट पर्सपेक्टिव स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव इसका टोटल ओवरव्यू दे करके रखा है व्हेन वी वर स्टडिंग रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है? फिर भी चलो लेट्स बिगिन इंटरनल ऑडिट। अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरनल ऑडिट ऑल टुगेदर। इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है जहाँ पे यू बीइंग एन ऑडिटर, आप स्टैट ऑडिटर नहीं हो, आप कंपनी के मैनेजमेंट के साइड से काम कर रहे हो। मैम ऐसा क्यों? ओके, वेन एवर कंपनी में या फिर घर पे कोई बाहर वाले इंसान आ रहे हैं, द इंटरनल मेंबर्स दे देमसेल्व्स बी वेरी स्ट्रांग, दे देमसेल्व्स बी वेरी स्ट्रिक्ट। कि बाहर वाले इंसान आ करके पूरा ही लाइक यू नो इज्जत का कबाड़ा करके जाए कि यार फाइनेंशियल सही नहीं है, ये सही नहीं है, गवर्नेंस सही नहीं है, ऐसा करके जाए, इट इज़ बेटर टू अपॉइंट अ पर्सन हु कैन इंटरनली इन्फॉर्म अस कि व्हाट आर द फ्लॉज, व्हाट आर द एरियाज विच वी नीड टू फिक्स और प्लग इन। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। इसको हम लोग बोलते हैं वेर इन अ पर्सन इज अपॉइंटेड इन ऑर्डर टू चेक द फाइनेंशियल्स इंटरनली बिफोर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज कमिंग, ठीक है? इसके लिए हम लोग ने स्टैंडर्ड भी पढ़ करके रखा है, इफ इट ऑल यू रिमेंबर SA 600 610। यस, तो जहां पे इंटरनल ऑडिटर है तो कहीं ना कहीं यू हैव दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस इन माइंड दैट हाँ हम लोग इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर लेंगे। बट देर इज अ क्राइटेरिया, क्या हर कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना होता है?
आंसर इज नहीं. इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द कंपनीज ऑफ द फॉलोइंग क्लास एज पर सेक्शन 138. पब्लिक कंपनी है तो ऑलवेज एवरी लिस्टेड कंपनी विल हैव टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर. एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग डीपीबीटी डबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐसे याद रखने का, डीपीबीटी डबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिपॉजिट्स मोर देन इक्वल्स टू 25 CR, पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल्स टू 50 CR, बोरोविंग्स ऑफ रुपीज, सॉरी ऑफ रुपीज नहीं, एक्सीडिंग रुपीज 100 CR और मोर, टर्न ओवर ऑफ रुपीज 200 CR और मोर. बोरोविंग में सिर्फ एक चीज याद रखना, बोरोविंग इज ओनली मोर देन, बाकी सब है मोर देन इक्वल्स टू, मोर देन इक्वल्स टू, मोर देन इक्वल्स टू. यहाँ पे भी फॉर एवरी प्राइवेट कंपनी बोरोविंग इज मोर देन 100 CR, टर्न ओवर इज मोर देन इक्वल्स टू 200 CR. सो लेट अस रिपीट दिस स्टेटमेंट. Borrowings exceeding rupees 100 CR or more. बाकी सब में क्या लिखेंगे? Turnover of rupees. Of rupees का क्या मतलब है? Equals to include हो गया. Of rupees 200 CR और मोर. मेक सेंस? तो ये वर्डिंग्स में ध्यान रखना. क्या है ये? अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर. विच कंपनीज विल हैव टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर? डिवाइडिंग इनटू टू, पब्लिक प्राइवेट. पब्लिक में लिस्टेड ऑलवेज, भाई तो नाम से बड़ी कंपनी. अनलिस्टेड में डीपीबीटी, डिपॉजिट्स, पेड अप शेयर कैपिटल, बोरोविंग्स, टर्न ओवर 25, 50, 100, 200, ये थ्रेशोल्ड लिमिट है. बोरविंग्स हमेशा मोर देन, बाकी सब मोर देन इक्वल्स टू. डन. ऐसी कोई कंपनी है तो उनको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना अनिवार्य है. नाउ हु डू यू फील कैन एक्ट एज इंटरनल ऑडिटर? इंटरनल ऑडिटर कैन बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और एनी अदर प्रोफेशनल एज द मैनेजमेंट डीम्स फिट. रिपीट, हु कैन एक्चुअली एक्ट एज इंटरनल ऑडिटर? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, any other professional as the management deems fit. इसके बाद जब भी हम लोग इंटरनल ऑडिटर के बारे में बात करें, he is here to find out the areas of waste, areas where the company is not working effectively, efficiently, जहां पे हमको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हो. ठीक है. There has been growing tendency to make the internal auditor responsible directly to board for maintenance of adequate accounting procedures and for preparation of financial statements and report. Though his main responsibility must be maintenance of adequate internal control system. ये बहुत ही important area है. Internal control system, जिसको हम लोग बोलते हैं ICS, internal control system, by providing adequate safeguards against the misappropriation of asset. He must enjoy an independent status. अब एक मिनट, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, समझो. See, when you talk about internal controls, ठीक है, मैंने आपको internal controls का definition लिखवाया था कि internal controls are the policies and procedures which are designed, implemented, maintained by those charged with governance with the objective of RESA. रेसा करके मैंने कुछ तो पढ़ाया था, याद आ रहा है? रेसा, रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एफिशिएंट कंडक्ट, सेफगार्डिंग ऑफ असेट एंड एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन. ऐसे चार पॉइंट्स का मैंने एक डेफिनेशन सिखाया था इंटरनल कंट्रोल का. कितने जनों को याद है? यस. ओके. सो इंटरनल कंट्रोल इज दैट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर. अब देखो, आई मीन TCWG, मैंने खूब सारे लॉज एंड रेगुलेशन, मैंने खूब सारे पॉलिसीज प्रोसीजर्स डिजाइन करके रखे कि देखो भाई, अगर मेरे कंपनी में काम करना तो इस हिसाब से करना होगा, मेरे कंपनी में काम करना तो ऐसा करना होगा. व्हाट डू यू फील, मेरे कहने से डायरेक्टली लोग मान जाएंगे? सब इम्प्लीमेंटेशन अप टू द मार्क होगा? बोलती तो मैं बहुत कुछ होमवर्क करके आना है, ये पढ़ना है, टेस्ट लिखना है, सच बताओ फॉलो कितना हो रहा है? यस. Now, internal control is a task which is implemented. Internal controls are the policies and procedures. In company, you need one more system to check, to evaluate the adherence. कि यार ये कंपनी ने इंटरनल कंट्रोल्स तो बनाए हैं, बट क्या ये इंटरनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं?
ये गवर्नेंस के लिए वी हैव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, वी हैव इंटरनल ऑडिट फंक्शन. समझ में आता है? आई रिपीट इट वन मोर टाइम, आई गिव यू वन स्मॉल रिलेटेबल एग्जाम्पल. द वे इन द फैमिली हेड मे बी फादर, ठीक है, पप्पा इज प्रिपेयरिंग रूल्स एंड रेगुलेशन नॉट टू स्टेप आउट ऑफ द होम आफ्टर 8 PM, या फिर यू शुड बी इन एट द प्रिमाइसिस इन द होम बाय 8 PM मैक्सिमम. बट डैड ही हिमसेल्फ इज वर्किंग इन द ऑफिस टिल 10 PM. हु इज आउट इन द होम टू चेक द कंप्लायंस वेदर यू आर फॉलोइंग दैट 8 PM वाला टारगेट और नॉट? मम्मी. मम्मी इज इंटरनल ऑडिट फंक्शन. इतना समझता है? सो वॉट इज दैट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल ऑडिट फंक्शन? इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज लुकिंग आफ्टर द गवर्नेंस, द अधेरेंस विद इंटरनल कंट्रोल पॉलिसीज विच आर डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय TCWJ. समझ में आवे? गॉट इट? ईजी इनफ? ठीक है. सो नाउ वो लोग यही बोल रहे हैं कि फ्रैंकली स्पीकिंग इंटरनल ऑडिटर का भी यही मेजर काम है कि वेदर इंटरनल कंट्रोल्स या फिर जो पॉलिसीज फ्रेम हुई है दे आर अप्रोप्रिएटली फॉलोड और नॉट. मेक सेंस? देखो यहाँ पे वही रेसा वाली चीजें आ गई है, सेफ गार्डिंग अगेंस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट. नेक्स्ट, वॉट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीपल पे अटेंशन. क्या बोलता है? सी, व्हेन यू आर अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर फॉर द कंपनी, ठीक है, सो यू आर द रीसेंट अटेम्प्ट क्लियर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू आर अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर. यू आर नॉट अवेयर कि रिपोर्ट दू तो कैसे दू, मुझे रिपोर्ट देने तो बोला है. देखो यहाँ पे यू नीड टू रिपोर्ट बेसिकली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बने हैं, या इंटरनल कंट्रोल में कुछ इवैल्यूएशन करने की जरूरत है या नहीं है. तो ये रिपोर्ट कैसे बनाए, क्या लिखे? क्योंकि 700 तो है नहीं वेर इन यू हैव अ प्रॉपर गाइडलाइन कि पहले टाइटल लिखो, फिर एड्रेस ही लिखो, फिर ओपिनियन लिखो, फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन लिखो. पूरा ड्राफ्ट तो है नहीं. अगर पूरा ड्राफ्ट है नहीं, दिस मतलब यू बेसिकली, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है इज फेसिंग प्रॉब्लम दैट हाउ शुड आई प्रिपेयर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट. सो दिस इज अ क्वेश्चन टू एड्रेस दैट क्वेरी. बोलता है देर आर फीचर्स ऑफ गुड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट. वॉट आर दिस फीचर्स? वो लोग ब्रॉडली हमको बोल देते हैं, मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी, कंसाइजनेस, रीडेबिलिटी, क्लैरिटी, कंस्ट्रक्टिवनेस, कीप इट समराइज्ड, एक्यूरेसी, टाइमली बेसिस पे. पहले प्रिपेयर द ड्राफ्ट रिपोर्ट, सेंड इट अक्रॉस, देन यू प्रिपेयर द मेन रिपोर्ट. दीज आर द फीचर्स ऑफ, कीप इट कंसाइज. So these are the features of internal audit report. समझ में आता है? पक्का? The most important question, examiners का comment है ये question पे, many of the students fail to understand the question and they wrote, because internal auditor का question आया ना, they wrote applicability of internal auditor, appointment of internal auditor. ठीक है? I'll just make you to go through that question. It is May 19th, so yes, it will be there on ICI side. Just give me a moment. Meanwhile, you read this, I'll take you through that. So yes, we are in May 19 wala question paper, the past paper, okay? Just going through the paper thoda sa upar se. How would you determine key audit matter? How would you determine key audit matter? Which standard are they talking about? Yes, SS-701, determination mein risk, uncertainty and any other significant event. ठीक है. जीएसटी ऑडिट पढ़ना हमारा बाकी है. गोइंग कंसर्न. ओके, एन्यूमरेट ऑपरेटिंग कंडीशंस ऑफ एन एंटिटी दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. FOO कुछ याद आ रहा है? फाइनेंशियल इंडिकेटर, ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स एंड अदर इंडिकेटर्स. उसमें ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स एन्यूमरेट करना है. लॉस ऑफ की मैनेजरियल पर्सन, टेक्नोलॉजिकल चेंज, लेबर स्ट्राइक्स. 570 वाला क्वेश्चन है ये. हम साथ साथ है वाला मूवी पे दिखाया था ये. लॉस ऑफ की मैनेजर पर्सन, लिक्विडेट, लेबर स्ट्राइक्स, शॉर्टेज ऑफ सप्लाईज, एमर्जेंस ऑफ न्यू को ह्यूज कॉम्पिटिटर, लॉस ऑफ मार्केट. ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछते बच्चों. देखो हार्डली पॉइंटर्स आर रिटन डाउन. ठीक है. सो नॉट टू मेजर योर आंसर्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी के कितना लिख रहे कितना लिख रहे. Frankly speaking, it does not has that kind of quantum valuation. It has quality valuation. Yeah. How will you determine?
areas of highly assessed risk, high estimation uncertainty, any other significant event transaction. SI-701 का starting वाला point, 4 marks, 5 marks, not even 4, ठीक है, 9 marks pocket में people. ओके, रीड क्वेश्चन नंबर सी. अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एम्पैनल्ड एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैज मेंशन्ड दिस सेम ऑन द विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड्स एंड अदर कम्युनिकेशन आल्सो. अ पर्सन रिसाइडिंग इन द नेबरहुड हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट. बाजू वाले को लगा कि अरे यार कुछ भी यार गलत काम कर रहा है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, सीए होकर के अपने आप को आईपी डेजिग्नेट कर रहा है. स्टेटिंग दैट द सेड मेंबर हैज मेंशन्ड हिमसेल्फ एज आईपी, यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट examine the same under the light of with reference of Chartered Accountancy Act. Bolo, whether this is a misconduct or not. And kaun se clause ke tahat bologe? Yes. This is not a misconduct as per clause. Govinda Clause, Clause 7, Part 1, First Schedule. As per Clause 7, Part 1, First Schedule. ठीक है? देखो पहले क्लॉज नाम लिखने का, पूरा क्लॉज लिखने का. एंड हियर चार्टर्ड अकाउंटेंसी हम लोग बोलेंगे बॉस द कंप्लेन ऑफ द नेबर इज नॉट एनफोर्सिएबल और वैलिड, इट इज नॉट वैलिड, बेसिकली द पर्सन इज नॉट हेल्ड गिल्टी अंडर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. पॉजिटिव कंफर्मेशन, नेगेटिव कंफर्मेशन, वेट, लेट मी सी दैट क्वेश्चन फर्स्ट जो अपना वाला क्वेश्चन है. पीपल एवरी वन, क्वेश्चन नंबर बी. वेबकॉम लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी विद अ पेड अप शेयर कैपिटल 20 crore हैज अ टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 ऑफ रुपीज 220 crore. एक्स अ रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज बीन अपॉइंटेड फॉर कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट. ही सीक्स योर एडवाइस इन ड्राफ्टिंग गुड क्वालिटी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट. Please guide him by elaborating in brief the essential features of good internal audit report. Frankly speaking, अभी तो मैंने आपको ये concept समझाया हुआ है. Hence, you know कि यहाँ पे internal audit report का features लिखना है, ठीक है? Many of the students, when they read it for the first time, एक तो paid up share capital के बारे में बात कर दी, turnover के लिए बारे में बात कर दी, और internal auditor के लिए बात कर दी. People blindly wrote 138 in the answer. 138 is not even a single part of the answer. फिर हमको लगता है कि मैम हम लोग तो प्रोविजन भी लिख करके आए थे, सेक्शन नंबर भी कोट किया था, स्टिल ICAI इज नॉट गिविंग मार्क्स. दैट इज अनट्रू. समझा है? पक्का? श्योर? तो आंसर में क्या लिखेंगे? एसेंशियल. या एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंटर, डायरेक्टली एसेंशियल फीचर्स से हेडिंग दे देंगे. Objectivity, clarity, accuracy, constructive readability, timeliness, findings, conclusion, draft report, recommendations. समझा है? पक्का? Sure? So this is May 19 question. आगे बढ़े? चलिए. Next. देखो. Internal control. So what is internal control? मैंने आपको starting में दिखाया था with respect to RESA. लिखा हुआ है ना आप लोगों ने notebooks में, internal control ये लिखवाया था, internal financial control over financial reporting, ये भी तीनों चीज़ लिखवाई थी मैंने, ठीक है? So that is with respect to RESA. So what is internal audit function? Internal audit function is there to govern that controls are implemented or not. But देखो, जब भी controls implement होते हैं, they have certain limitations.
इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज नॉट ईजी. बेसिकली हो सकता है मैंने कंट्रोल्स बनाए और कोल्यूशन हो गया, हो सकता है मैंने मेरे जजमेंट के हिसाब से कंट्रोल्स बनाए विच आर नॉट रिक्वायर्ड, हो सकता है जहाँ पे मैंने कंट्रोल्स बनाए इट इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ ह्यूमन एरर्स. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. मार्केट इंपॉर्टेंट इट इज़ EEQ, क्योंकि ये RTP में ही आ रहा है, अब तक सजेस्टेड पेपर में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है. मार्केट EEQ, यस. AEIOUCM, अब्यूज़ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जिसको कंट्रोल बनाने बोला उन्होंने खुद के लिए ओवरराइडिंग कंट्रोल्स रखा है. ह्यूमन एरर्स है, केयरलेसनेस है, डिस्ट्रैक्शन है, बराबर से कंट्रोल्स बना नहीं पाए हैं. इनएडिक्वेसी ऑफ प्रोसीजर्स, ओवरराइडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, कल्यूशन, मैनिपुलेशन. कंट्रोल्स बनाने के बाद भी ये सब कुछ हो सकता है. सो दीज आर द लिमिटेशंस. इवन इफ यू हैव इम्प्लीमेंटेड कंट्रोल्स बट देर कैन बी सर्च काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस. नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. ना वट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? ऑल इन ऑल इंटरनल कंट्रोल्स विल बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ऑथोराइजेशन, एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स, अकाउंटेबिलिटी, इंडिपेंडेंट चेक. एंड कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स आर CRISM, CRISM. ये चीज़ मैंने आपको 3 and 5 पढ़ाते हुए, चैप्टर नंबर 16 बेसिकली स्टैंडर्ड्स पढ़ाते हुए ये पढ़ाई थी. कुछ याद है CRISM? कैन anyone जिस्ट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ CRISM? CRISM का फुल फॉर्म कंट्रोल एनवायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, कंट्रोल एक्टिविटी एंड मॉनिटरिंग. ठीक है, 5 चीजें हैं. रिपीट, कंट्रोल एनवायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, कंट्रोल एक्टिविटी एंड मॉनिटरिंग. तो ये 5 चीज़ें हैं अंडर कंपोनेंट्स. सो व्हाट आर द स्ट्रक्चर? बेसिकली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या होगा? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ऑथोराइजेशन पूछ के करो, एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स, अकाउंटेबिलिटी, इंडिपेंडेंस चेक, कंपोनेंट्स एक्सेट्रा. डन डन आ डन पक्का? What are the key components to assess the control environment? Yes, ये वाला जो points है, frankly speaking, internal control को कैसे evaluate करें, control environment को कैसे evaluate करें, ये हम लोगों ने यहाँ से किया हुआ था. अगर आपने ये चीज़ नहीं लिखी है, I want you all to take up the photograph of this and आज के आज इसको अपने notebook में complete करना है. ठीक है, सो वेर इन यू आर राइटिंग CRISM का ये सारा पॉइंट देखो. कंट्रोल एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें आनी है, रिस्क असेसमेंट में क्या क्या चीजें आनी है. ये जब भी मैंने 3 and 5 पढ़ाया था पीपल आपको, तभी ये चार्ट एग्जैक्टली एज इट इज. और यहां पे बोला भी था कि कंट्रोल एक्टिविटीज अ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, ऑथोराइजेशन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ये देखो SOD, फिजिकल वेरिफिकेशन एक्सेट्रा. ठीक है, सो टेक अ फोटोग्राफ ऑफ दिस. अगर जिन्होंने नहीं लिखा है अभी के अभी टेक अ स्क्रीनशॉट एंड इसको कंप्लीट कीजिए. व्हाट इज दिस पीपल? दिस इज हाउ यू इवैल्यूएट व्हाट आर द की कंपोनेंट्स. देखो की कंपोनेंट्स में 5 कंपोनेंट्स है CRISM. अब ये कंपोनेंट्स में क्या होना चाहिए, क्या असेसमेंट करना है, ये सारा चीज. ठीक है, जॉब रोटेशन वैसा तो वैसे हर एक कंपोनेंट के लिए मैंने एलिमेंट्स दिखवाए थे आपको प्रीवियस क्लासेस में. डन डन डन. ये चैप्टर एक्चुअली इजी क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी अलग अलग जगह पे इसको बांट बांट करके पढ़ लिया है. इसके लिए द लास्ट वेरी कंसेप्ट जो अभी हमको करना है, दैट इज इंटरनल चेक सिस्टम. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक? इंटरनल कंट्रोल्स जो मैंने अभी अभी आपको बताया रेसा, व्हाट इज इंटरनल चेक? ये देखो, इंटरनल चेक इज एन ऑटो, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस वेर इन वन पर्सन्स वर्क इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाई अदर्स. मतलब आई हैव अपॉइंटेड दीपाली एज कैशियर, ठीक है, टू कलेक्ट कैश. आई हैव अपॉइंटेड सोनाली टू डिपॉजिट दैट कैश इन द बैंक. मतलब क्या मैंने सोनाली को दीपाली का काम चेक करने के लिए अपॉइंट किया है? नहीं, उसको तो पैसा डिपॉजिट करने के लिए अपॉइंट किया. बट द फ्लो ऑफ वर्क इज सच वेर इन वन पर्सन्स वर्क इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अदर. रिपीट, तो व्हाट इज इंटरनल चेक सिस्टम? वी ट्राई
we try having the hierarchy of operation in a manner, one person's work is automatically being checked by other, that is internal check system. Okay, it is a system to assure no person has authority of the start of the tax from start to end. मैंने दीपाली को ये नहीं कहा कि बेटा आप पैसे कलेक्ट भी करो खुद ही डिपॉजिट करके आओ, नहीं. The system provides the existence of checks of checks on the day to day fractions which operates continuously as a part of routine system, whereby the work of each person is either providing independent or is made complementary to the work of other. ठीक है, उसका काम एकदम ही अलग है या फिर sequence में है तो it is complementary. Hence one person's work is automatically being checked by others. That is internal check system. Next, effectiveness of internal check system. Effectiveness of internal check system. Basically, what should be the components? Clarity. दीपाली को पता होना चाहिए कि मेरा काम कहाँ पे स्टॉप होता है. सोनाली को पता होना चाहिए मेरा काम कहाँ से स्टार्ट होता है. स्टैंडर्डाइजेशन, देर शुड बी नो मिसमैच. डिविजन ऑफ वर्क एंड अप्रेजल ऑफ ऑपरेशन, चेक करते रहो कि जैसे उन्होंने टारगेटेड किया था वैसा ही हर कोई इंसान काम कर रहा है ना. ऐसा तो नहीं हो रहा ना सोनाली एंड दीपाली आर नाउ गुड फ्रेंड्स तो सोनाली बोलते कि छोड़ना है यार तू ही कलेक्ट कर तू ही देकर क्या मेरी आधी सैलरी तू रख लेना, गलत है. ठीक है, सो वॉट इज दिस, दीज आर द की कंपोनेंट्स टू चेक टू अधेयर विथ द गुड इंटरनल चेक सिस्टम. ओके, इसके बाद इन द प्रीवियस वेरी क्लास हम लोगों ने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल भी पढ़ लिया था, दैट इज एस ए पॉट. ठीक है, कुछ याद आ रहा है? यस, एंड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये भी पढ़ लिया है. इट इज अ प्रोसेस डिजाइन टू प्रोवाइड, देखो, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये भी लिखा हुआ है आप लोगों ने. डन डन डन, पक्का? यस, दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज का आपका होमवर्क है. इन द नेक्स्ट वेरी क्लास आई विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे. यस पीपल, सो दिस इज द एंड ऑफ the next very part of internal audit as well.